दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वही हम लोग घर में बाहर, इसीलिए नहीं ये छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले के कलेक्टर रणवीर शर्मा को तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया गया है। ये वही कलेक्टर हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान दवाई लेने निकले एक युवक की जमकर पिटाई कर दी थी। बता दें कि शनिवार की दोपहर लॉकडाउन के दौरान एक युवक दवाई का पर्चा लेकर दवाई लेने मेडिकल स्टोर जाने को निकला था। इसी बीच कलेक्टर रणवीर शर्मा दलबल के साथ लॉकडाउन का मुआयना करने निकले थे। इस दौरान सड़कों पर लोगों की आवाजाही देख वे बिफर पड़े। उनकी नज़र इस युवक पर पड़ी। कलेक्टर ने पहले तो इसे रोका और फिर उसका फोन लेकर जमीन पर पटक दिया। फिर यह लड़का एक पर्ची दिखाकर कह रहा था कि वह दवा लेने घर से निकला था, लेकिन कलेक्टर ने उसकी एक ना सुनी और पहले खुद उस युवक को एक थप्पड़ जड़ा और फिर पुलिस कर्मियों से उसे पिटवाया। कौन सा दादी का दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हालांकि बाद में कलेक्टर ने अपने केक की माफी भी मांगी और इसी बीच उनका एक वीडियो सामने आया जिसमें वे अपनी इस हरकत पर स्पष्टीकरण देते हुए दिख रहे हैं। आज सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है जिसमें मैं एक व्यक्ति को चाटा मारते हुए दिख रहा हूं। सूरजपुर जिले में स्थिति बहुत खराब है। मैं और मेरे माता पिता दोनों स्वयं भी कोविड से संक्रमित हो गए थे। मैं अभी पॉजिटिव नहीं हूं, मेरे पिताजी भी पोस्ट कोविड हैं, मेरी माताजी अभी भी पॉजिटिव हैं। मुझे पता है कि कोविड होने के बाद क्या आदमी के शरीर पर बीतती है। मेरा और हमारे पूरे सरकारी अमले का, जिला सूरजपुर के ही नहीं पूरे छत्तीसगढ़ के सरकारी अमले का ये प्रयास रहा है कि हम लोगों को इस आपदा से बचाएं। हम चाहते हैं कि लोग लॉकडाउन का पालन करें और पिछले एक साल से मैं और मेरा पूरा सरकारी अमला, पूरा जिले की टीम और पूरे छत्तीसगढ़ के जितने सरकारी अमला है, हम सब रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आज जो घटना हुई उसके लिए मुझे खेद है, मैं सबसे माफी मांगता हूं। मेरा कतई यह आशय नहीं था कि किसी का अपमान करना। जिन व्यक्ति का वो वीडियो है वो बाइक के ऊपर जो है वो जा रहे थे और मैं उस समय वहां मौजूद था। हमने जब पुलिस वालों ने और हमने जब उनको रोका तो वो रुके नहीं और हमें चोट लगने का डर था। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूं। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें पद से हटाने के निर्देश दिए हैं। उनकी जगह आईएएस गौरव कुमार सिंह को नया जिलाधिकारी बनाया गया है। रिकॉर्ड किया मैं।
भैया कहाँ गए? भैया मोबाइल में देख लीजिए।